छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। स्मॉल स्टोरीज टीच वेरी बिग लेसन्स। आज की कहानी मोहन नाम के किसान की है। स्कूल में पढ़ने में कुछ ध्यान लगा नहीं, कॉलेज की नहीं, लेकिन भाग्य से पुरखों की जमीन बहुत ज्यादा थी, खेती में लग गए, गांव में रहे और भाग्य से खेती बहुत अच्छी चल निकली, पैसे आए, पैसे जमा भी हो गए, शादी हो गई। और हमारे मोहन जी को लगा कि विदेश यात्रा करनी चाहिए, पासपोर्ट बनाया, टूर कंपनी को पकड़ा, वीजा बनवाई, सूट सिलवाया, अच्छे कपड़े लिए और मोहन जी निकले फॉरेन ट्रिप को। ट्रिप थी 10 दिन की, वापस आ गए। मोहन जी बड़े खुश, वापस आकर के पत्नी को पूछा, अरे बताओ क्या मैं फॉरेनर दिखता हूं? पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, पत्नी ने कहा, नहीं आप फॉरेनर तो बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? मोहन जी ने कहा, क्या बताऊं, जब मैं विदेश में था तो एक महिला मेरे पास आ गई और महिला ने कहा, क्या आप फॉरेनर हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अभी आकर के तुमसे पूछ रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं कि क्या मैं फॉरेनर जैसा दिखता हूं। पत्नी मुस्कुराई और पत्नी ने कहा, नहीं नहीं आप फॉरेनर जैसा बिल्कुल नहीं दिखते। मोहन जी खुश, पत्नी चुप। मोहन जी सिखाते हैं बहुत बड़ी सीख। सीख है समय के साथ, व्यक्ति के साथ, स्थान के साथ सब कुछ बदलता है। स्थान बदला, सब कुछ बदल गया। समय बदला, सब कुछ बदल गया। व्यक्ति बदले, फिर सब कुछ बदल गया। हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि पालतू कुत्ते और गली के कुत्ते में फर्क होता है, दोनों कुत्ते हैं, लेकिन पालतू कुत्ते के साथ जो मैं व्यवहार करता हूं वही व्यवहार मैं गली के कुत्ते के साथ नहीं कर सकता। मैं एक ढाबे में जो व्यवहार करता हूं खाते समय, 5-स्टार होटल के रेस्टोरेंट में वो व्यवहार नहीं कर सकता। जो व्यवहार मैं सुबह को करता हूं शाम को नहीं कर सकता। 365 कहानियों के इस दौर में अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।